हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल डीके किचन में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक मीठी सी रेसिपी जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की हमारी मीठी रेसिपी है सेवैया की खीर, जिसे हम सब खाना पसंद करते हैं, बच्चे बूढ़े सबको पसंद आती है खीर। अगर अचानक से हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो इस खीर को आप आसानी से घर में बना सकते हैं और बहुत जल्दी बनती है खीर। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, ताकि आप भी इसको घर पे ट्राई कर सके। सेवैया की खीर बनाने के लिए मैंने लिया है ये बारीक सेवई, चाहे तो आप इसमें थोड़ी बड़ी आती है वो भी ले सकते हैं। 2 कटोरी दूध चाहिए हमें, 1 कटोरी चीनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम लिए हैं, इलायची, किशमिश, काजू, पिस्ता। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रखी है, नॉनस्टिक की कढ़ाई का हम यूज़ करेंगे ताकि घी हमें थोड़ा कम लगे। तो पहले हम घी को अच्छे से गरम कर लेंगे। तो घी यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ सेवैया। तो इसमें मैंने सेवैया को बारीक कर लिया है हाथ से। सेवैया को हम घी में अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ मैंने बारीक सेवई यूज़ की है, तो ये जल्दी भून जाएगी। चाहे तो आप बड़ी आती है सेवई तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से हमें चम्मच कंटिन्यू हिलाते रहना है। सेवैया यहाँ पर अच्छे से घी में भून चुकी है, तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी गोल्डन ब्राउनिश आ चुका है। तो फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे ही सेवैया को भूना है। तो ये सेवैया अच्छे से भून चुके हैं, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेवैया को एक प्लेट में निकाल दिया है। तो उसी कढ़ाई में हमें दूध गर्म करना है, तो यहाँ मैं 2 कटोरी दूध यूज़ कर रही हूँ। तो इस दूध को हमें गाढ़ा बनाना है अभी उबाल के। अब हम इस दूध को अच्छे से उबाल देंगे ताकि ये गाढ़ा बन जाए। तो फ्लेम को मैंने पहले हाई रखा है, चम्मच से इसको कंटिन्यू हिलाना है और इस दूध को गाढ़ा बनाना है हमें। तो यहाँ पर दूध को उबालते 5 मिनट हो चुके हैं, इसको हमें और गाढ़ा बनाना है। चम्मच से इसको कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। तो यहाँ पे हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा बन चुका है। तो इसको हमें 10-15 मिनट लगे हैं दूध को गाढ़ा बनाने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे सेवैया को जिसको हमने भुना है। यहाँ मैंने सेवैया को दूध में डाल दिया है, अब हमें इसे मिक्स करते जाना है। यहाँ पे सेवैया दूध में मिक्स हो चुकी है, तो अब हमें इसमें डालना है चीनी। तो यहाँ मैं 1/2 कटोरी चीनी यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने गार्निशिंग के लिए रखे है, मिक्स करते रहना है इसको। इस खीर में मैंने चीनी और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर, मिक्स करेंगे इसको भी। तो इस तरह से हमारी सेवैया की खीर बनकर तैयार है। यहाँ पे हमारी सेवैया की खीर बनकर तैयार है, तो इसको हम एक बाउल में सर्व करेंगे। खीर आपको और थोड़ी सी पतली चाहिए तो आप इसमें दूध थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। अब इस खीर को हम ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग करेंगे। चाहे तो आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेवैया की खीर की मीठी सी रेसिपी बनकर तैयार है। तो इसको आप घर पे ज़रूर बनाइए, गेस्ट को खिलाइए।
उम्मीद करती हूँ ये आज की मीठी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी ऐसी इंटरेस्टिंग एंड डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।